हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संतरे जो होता है संतरा, उसको जो पौधा है हम बीज द्वारा किस प्रकार ग्रो करें। तो चलिए, ये हमने एक संतरा ले लिया है, इसको हम छील लेते हैं और जो संतरे के बीज है वो हम निकाल लेते हैं। चलिए, ये कुछ हमने संतरे के बीज निकाल लिए हैं और इसको हम पहले पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे, 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे, क्योंकि जो इसमें जो इसका जूस है संतरे का वो इससे अलग हो जाए और जो हमारे सीड्स हैं वो फंगस को पकड़ ना पाएँ, इसलिए हम इसको 2 से 3 बार अच्छे पानी से धो लेंगे। जैसा कि हमने ये बीज देख रहे हैं आप, ये बीज तो इसका जो ऊपरी जो कवर होता है, इस ऊपरी कवर को हम निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपरी कवर निकालने से जो हमारा बीज का जर्मिनेशन है वो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये ऊपर जो कवर है उसको हम बहुत ही आराम से निकाल लेंगे, जो कि अंदर का भाग है जो डिस्टर्ब ना हो पाए। तो चलिए, इसको जो बीज का कवर हम निकाल लेते हैं। चलिए, ये हमने जो है बीज का जो ऊपरी भाग होता है निकाल लिया है और सभी बीजों का हमने ये ऊपरी भाग निकाल लिया है। तो चलिए, इनको हम पेपर टॉवल जो होता है पेपर टॉवल, उसकी मदद से हम इनको बीज को पहले जर्मिनेट करेंगे। और जब भी आप पेपर टॉवल लें तो आप फ्रेश लें, उसमें कोई भी गंदगी ना रहे, क्योंकि अगर उसमें गंदगी रहेगी तो जो आपके सीड्स हैं वो फंगस या किसी ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए, इसको हम जमा लेते हैं। और ये कुछ बीज हैं जिसका जो हमने ऊपरी भाग नहीं निकाला है, इनको भी हम इस पेपर टॉवल में रख देंगे और देखते हैं कौन से सीड्स की जो जर्मिनेशन है वो जल्दी होती है। तो चलिए, इसमें हम पानी का स्प्रे कर लेते हैं, इसको पेपर टॉवल जो है इसको गीला कर लेते हैं, और आप इसको इतना गीला करें जिससे कि उसमें जो पानी है वो रुक ना पाए, इसमें जो नमी है बनी रहे। तो चलिए, इस प्रकार हमने इसको गीला कर लिया है। इसके बाद हम एक जिप लॉक पॉलीथीन लेंगे और इस पेपर टॉवल को उसमें रख देंगे, और जब भी आप जिप लॉक पॉलीथीन लें तो उससे आप पूरी एयर निकाल दें और उसको इस प्रकार उसकी पूरी एयर निकाल दें, फिर उसको आप लॉक कर दें। इससे क्या होगा, जो हमारा जर्मिनेशन है वो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए, इस पेपर टॉवल जो है हमने इस पॉलीथीन को, अब एक हम बॉक्स लेंगे और इस बॉक्स में हम इस पॉलीथीन को रख देंगे, और इस बॉक्स को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर अंधेरा रहे और थोड़ी नमी बनी रहे और थोड़ी ठंडी जगह रहे। तो चलिए, इसका हम वेट करते हैं कि कितने दिन में ये ग्रो होते हैं। लगभग 7 दिन हो चुके हैं जो कुछ हमने बीज इसमें पेपर टॉवल में रखे थे और कुछ इस पॉलीथीन में, तो अब इनका हम रिज़ल्ट देख लेते हैं, इसमें क्या इनकी ग्रोथ हुई है। और जब भी आप कोई भी बीज लगाते हैं मिट्टी में या पेपर टॉवल में रखते हैं, तो सबसे पहले उसकी जो रूट्स हैं निकलना शुरू होती हैं बीज में से, और जैसा आप देख पा रहे हैं ये कुछ वाइट वाइट हमको नज़र आ रहा है, ये इसकी बीज में से रूट्स निकलना शुरू हो चुकी हैं। और अब इनका जो समय है, इनको हम पॉटिंग मिक्स में लगा देंगे, और आप देख रहे हैं सभी बीजों की अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। जो हमने ऊपर का कवर निकाला था उन बीज की जो ग्रोथ है वो फास्ट हुई है, और जो बाकी बचे हुए बीज हैं जो हमने कवर नहीं निकाला था ऊपर का, उनकी रूट्स बनना अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो चलिए, इनको हम पॉटिंग मिक्स में लगा लेते हैं जिसकी रूट्स बनना शुरू हो चुकी हैं। और जो हम पॉटिंग मिक्स लेंगे वो हम ओनली कोकोपीट लेंगे,
कोकोपीट का एक फ़ायदा यह है क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, और इसमें जो कोई भी सीड से हम लगाते हैं ये इसमें बहुत ही फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। तो चलिए, हमने ये दो ग्लास में, डिस्पोजल ग्लास में कोकोपीट भर ली है। अब इसमें हम, अब ये जो बीज हैं इनको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इनमें होल बना लेंगे, और जब भी कोकोपीट लें आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें क्योंकि थोड़ा सा ये गीला हो जाए। तो चलिए, हमने इसमें होल बना लिए हैं। होल बनाने के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं, ये रूट्स को हम नीचे के तरफ इनको हम लगा देंगे। तो चलिए, सभी सीड्स को हम इसी प्रकार डिस्पोजल ग्लास में लगा लेते हैं। दोनों डिस्पोजल ग्लास में बीज लगाने के बाद एक हम ये जिप लॉक पॉलीथीन ले लेंगे, और पॉलीथीन लेने के बाद हम ये जो ग्लास है इसमें हम रख देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी जो कोकोपीट है वो ड्राई नहीं होगी, और ये हमारा जो पॉलीथीन है पॉली हाउस का काम करेगी। अगर आपके पास पॉली हाउस है तो उसको आप डिस्पोजल ग्लास को उसमें रख सकते हैं। तो चलिए, हमने इस प्रकार इसमें पॉलीथीन में रख लिए हैं। इसके बाद जो डिस्पोजल ग्लास हैं इसको आप सेमी सेट में रखें या किसी खिड़की में पास रखें जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए और जो सूर्य की रोशनी है वो आए। तो चलिए, इसका हम वेट करते हैं। लगभग 12 दिन हो चुके हैं जो हमने इस डिस्पोजल ग्लास इस जिपलॉक बैग में रखे हुए थे, और अभी आप एक ही ग्लास में, जो हमारे डिस्पोजल ग्लास में है उसी में हमारे 3 से 4 पौधे बनना शुरू हो चुके हैं। और देख रहे हैं, ये एक डिस्पोजल ग्लास में हमारे 3 पौधे बन के तैयार हो चुके हैं संतरे के। और अभी जो डिस्पोजल ग्लास है इसी हम जिपलॉक बैग में रखेंगे जब तक इसकी 3 से 4 पत्तियां नहीं आती हैं, और अभी इसको हम सेमी सेड में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे आप तो जो इसकी पत्तियाँ हैं ख़राब हो सकती हैं और आपके पौधे मर सकते हैं। तो चलिए, अभी इसका हम और वेट करते हैं। और जो दूसरा ग्लास देख रहे हैं उसमें अभी कुछ भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, इसमें अभी ग्रोथ होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चलिए, इसको भी हम उसी जिपलॉक पॉलीथीन में रख देंगे और इसका भी हम वेट करते हैं। बीस दिन बाद जो हमने 2 डिस्पोजल ग्लास में ये संतरे के कुछ बीज लगाए हुए थे, और ये हमारा 20 दिन का रिज़ल्ट है, और हमारे दोनों ग्लास में ये जो हमारे सीड्स हैं वो अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो चुके हैं। एक ग्लास में हमारे 4 पौधे बन चुके हैं और दूसरी ग्लास में हमारे 3 पौधे,
तो अभी हम इसको सेपरेट नहीं करेंगे जब तक इसकी 3 से 4 पत्तियां नहीं आती हैं। और अभी हम इसका और वेट करेंगे, जब इसकी 3 से 4 पत्तियां आ जाएंगी तो इसको हम सेपरेट पॉट में या ज़मीन में इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने बहुत ही आसानी से संतरे की मदद से इसके जो पौधे तैयार कर चुके हैं एक संतरे से। और आप भी इसी प्रकार जो मेथड है इसको अपनाएंगे तो आप भी संतरे को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।